पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुलंदशहर में आर्थिक तौर पर कमजोर और निर्बल वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं को एक संस्था द्वारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत यूरोप भेजने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, इस दौरान मेडिकल की पढ़ाई पर जो भी खर्चा आएगा वो संस्था वहन करेगी। काबिले गौर है कि यह संस्थान जिसकी स्मृति में बनाया गया है वे पेशे से डॉक्टर थे और हाल ही में उनकी मौत एक बीमारी के चलते हो गई थी। फिलहाल ये एक अनोखी पहल की है। बुलंदशहर जिले के गुलाटी क्षेत्र के जितेंद्र तेवतिया प्रेरणा न्यास के द्वारा बुलंदशहर जनपद के डॉक्टर जितेंद्र तेवतिया प्रेरणा न्यास के द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब और निर्धन मेधावी छात्रों को अब डॉक्टर बनने के लिए उन्हें न सिर्फ विदेश भेजा जाएगा बल्कि 5 साल की मेडिकल की पढ़ाई में जो भी खर्च होगा उसे भी संस्थान के द्वारा उठाया जाएगा। काबिले गौर है कि डॉक्टर जितेंद्र तेवतिया बुलंदशहर के एक नामी और चर्चित डॉक्टर हुआ करते थे और जिनकी अभी हाल ही में एक बीमारी के चलते दिल्ली के निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। फिलहाल अब उनकी बेटी डॉक्टर अंशुल तेवतिया व पत्नी डॉक्टर सविता तेवतिया ने पहल की है कि वो मेधावियों को मेडिकल की पढ़ाई का मौका देंगे। अतुल ने बताया कि उन्होंने अपने पिता के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया है और उन्होंने फैसला किया है कि जो भी कमजोर और मध्यम वर्ग के बच्चे होंगे और जो आगे अपना भविष्य मेडिकल लाइन में बनाना चाहते हैं, प्रत्येक वर्ष ऐसे 2 मेधावी युवाओं का मौका दिया जाएगा। अपने पिता का सपना बताते हुए अतुल तेवतिया ने बताया कि उन्हें गरीब और आर्थिक तौर से परेशान वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, मेडिकल की तरफ युवा आगे कराने के लिए वो चाहती है कि क्षेत्र में या जनपद में मेडिकल की तरफ युवा आगे आए तो वो पढ़ाई करने के बाद समाज की सेवा कर सकेंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे होनहारों को विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ऑफिस का सपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए एक ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी की जा रही है जिसमें कोई भी मेधावी छात्र हिस्सा लेकर और परीक्षा में पास करके कामयाबी हासिल कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि परीक्षा में आर्थिक और सामाजिक तौर से कमजोर लोगों को ही मौका दिया जाएगा। आज मेरे फादर का बर्थडे है तो उनके बर्थडे पे एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया है जिसके तहत समाज से वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो बुलंदशहर को केंद्र मानते हुए यहाँ से 2 बच्चों के लिए हमने स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप की एक प्लान किया है जिसके तहत बच्चे जो फॉरेन में जाके मेडिकल एजुकेशन लेकर वापस आएंगे। उनका एक सपना था कि इस क्षेत्र से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स बने। कुछ काम थे जो वो अधूरे छोड़ गए और जिन्हें वो बहुत ऊपर तक ले जाना चाहते थे। तो आज सिर्फ एक ये प्रयास मात्र है कि जो वो चाहते थे उनको हम आगे तक लेकर जाएं। ये जो स्कॉलरशिप प्लान है ये एक अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए होता है जो टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर टैलेंट्स। जो बच्चा बहुत टैलेंटेड है जिसकी परसेंटेज 95% है और फाइनेंशियली पुअर होने की वजह से वो अपना पढ़ाई नहीं कर पाता, अपने सपनों को बीच में रोकना पड़ता है उसे, तो उसे जो पापा भी यही चाहते थे कि गरीब बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ावा दें, तो ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें जो भी बच्चा टॉपर रहेगा और फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाएगा जिसका। कौन से क्लास के लिए है? ये MBBS के लिए है। स्कूल में तो हम अलग चला ही रहे हैं, MBBS के लिए है। जो बच्चा बाहर जाएगा पढ़ाई करेगा, पूरे 5 साल का उसका कोर्स, आना जाना, खाना पीना, रहना और ट्यूशन फीस सारा चीज़ हम उसमें कवर करेंगे और उसको कंप्लीट डॉक्टर बना के हम उसको वापस इंडिया में ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बाहर कहाँ पे? जॉर्जिया में, यूरोप कंट्रीज में। मेजर चयन का आधार क्या रहेगा? चयन का आधार एक परीक्षा लिया जाएगा ऑनलाइन जिसके तहत जो भी बच्चा उसमें टॉपर करेगा, जो पारिवारिक रूप से या फिर क्या बोलते हैं आर्थिक रूप से जो नहीं सक्षम है उसे प्रेरित किया